दोस्तों अभी उस जगह पे आ रखे हैं जहाँ दूल्हा दुल्हन सात फेरे लेते हैं और सात जन्म तक की सात रहने की कसमें खाती है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों शादियां तो बहुत होती हैं पूरे जमाने में, पूरी दुनिया में, लेकिन जो मजा पहाड़ी शादी में आते हैं, हम पहाड़ी लोग हैं और यहां पे देख सकते हो हमारे भाई लोग हमारे साथ। दोस्तों इतना मजा अभी आ रहा है लेकिन पूरे सफर में आपको बहुत जबरदस्त मजा आएगा। फौजी भाई की शादी हमारे और हमारे ही गाँव की शादी है। दोस्तों दूल्हे राजा भी रेडी हो चुके हैं एकदम जाने के लिए और बाकी हमारे साथ आ रखे हैं हमारे पंडित जी भी। बाकी आप देख सकते हो कार कैसी सजा रखी है और लगे रहो, फौजी भाई की शादी है दोस्तों, तो मजा आने वाला है। बाकी हमने इतनी दूर जाना है, लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर, तो फिर जल्दी जल्दी निकल रही है बारात, वरना आपको दूल्हे को ढंग से दिखा देता। बट कोई नहीं, पूरे रास्ते बढ़िया से कवर करेंगे, आप बने रहो ब्लॉग। सफर में काफी मजा आ रहा है, काफी दूर आ चुके हैं। अभी तक हम छत में बैठे हुए थे, अब नीचे बैठ रहे हैं। सुना है आगे पुलिस है, तो अपना देख के चलना पड़ता है यार दोस्तों, वरना 5-6 हजार का चालान हो जाता है पर बंदे पे। तो ये लगा लो 10 बंदे पे होता तो 50 हजार तो ऐसी देने पड़ जाती। ओहो दोस्तों पहुंच चुके हैं क्यार्क गांव में। रास्ते का सफर बहुत ही खूबसूरत आनंदमयी रहा। जो गाँव है सबसे लास्ट गाँव है, यहाँ पे देखो क्यार्क 0 किलोमीटर, इससे आगे तो सड़क जाती नहीं है और बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि फौजी भाई की शादी जब जब होती है ना, तो हमारे पहाड़ी साइड बहुत से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ बहुत लंबा पैदल जाना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ है, लगभग 8-9 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। बाकी जितना पैदल होगा बारात में उतना ही इंजॉय होगा, उतना ही मजा आएगा। अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, बहुत उकाल का रास्ता है, मतलब ऊपर चढ़ाई पे जाना है हमने। दोस्तों कभी हम भी ऐसी बारात देखा करते थे जब बच्चे थे। हेलो कर दो सब, टू मच एटीट्यूड बाइक के निकल भाई। चढ़ाई बहुत है दोस्तों, इसीलिए दूल्हा भी उतर चुका है क्योंकि घोड़े खच्चर भी कितना ले जाएंगे यार, बहुत नीचे से आ रहे हैं। दूल्हे राजा पधार चुके हैं। पहाड़ी परंपराओं के अनुसार पूजा बहुत जरूरी होता है, बिना पूजा के कुछ नहीं होता है। दोस्तों अभी जयमाला बढ़िया तरीके से संपन्न हो गई और अभी हम सब लोग आ रखे हैं खाना खाने। यहाँ पे ऐसा सीन होता है पहाड़ों में, पहाड़ी परंपराओं के अनुसार बढ़िया से लोग बैठते हैं एक तरफ से और पंडित जी यहाँ पे खाना देते हैं। मतलब विदेशों में तो, बाहर के देशों में आपने देखा होगा कि लोग एकदम टेंट का खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब लोग जूते चप्पल उतार के बढ़िया तरीके से बैठते हैं। बाकी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो और यहाँ का मौसम बिल्कुल केदारनाथ की तरह एकदम ठंड सा माहौल है। हमारी साइड तो फिर भी बहुत गर्म है, तो हमारी साइड के कुछ लड़के एकदम हाफ में आ रखे थे, लेकिन हमने बोला ऑलरेडी एक बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी दीदी की शादी में, मेरी बुआ की लड़की के, तो एकदम सेफ्टी लेके जैकेट पहन के आ रखे थे। बाकी आप बैकग्राउंड में देखो यार मेरे, ये देखो यहाँ के ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से खा रहे हैं सब। जो इस साइड है ये सभी गांव के लोग खा रहे हैं और उस साइड बैठे हैं मेहमान लोग, मतलब जो भी बारात में आ रखे हैं। और पहाड़ी में ऐसा होता है दोस्तों, जो भी औरत हैं मतलब जिनकी शादी हो जाती है, वो कहीं भी सिर्फ पंडितों के हाथ का ही भात खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं, और बाहर किसी के घर में नहीं खाते, होटल में नहीं खाते। बाकी यहाँ देखो आप मेरे बैग में देखो, ये सभी लड़के लोग बैठे पड़े हैं, ये सभी मेहमान हैं जो कि बारात में आ रखे हैं हमारी तरफ। अभी हमने बहुत इंजॉय करना है, अभी डीजे डूजे लगेगा, बहुत सी चीज़ें लगनी हैं। बढ़िया से खाना हो चुका है, लेकिन जब तक शादी में डांस ना करो तो फील नहीं आती है,
क्योंकि जो मेन पार्ट होता है जिसलिए लड़के लोग शादी में जाते हैं वो होता है डांस। तो अभी जबरदस्त धुआंधार फौरदार डांस होगा, आज कॉपीराइट लगेगा तो लगने दो यार, लेकिन एंजॉय करना नहीं भूलेंगे। कभी कभी जरूरी नहीं होता कि आदमी को पैसे ही कमाने किसी वीडियो से, लाइफ में एंजॉय करना भी जरूरी है। ये देखो यार, किसी नए गांव में जाता हूं तो वहां की चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। अभी मेरे बैग में देखो यार, बुरांस का सीजन है जो कि हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है। अगर आप लोगों ने केदारनाथ यात्रा की होगी तो रास्ते में आपने देखा होगा प्यास और एनर्जी बुझाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए आपको ये मिलता है बुरांस का जूस, जो कि बहुत ही मतलब मुझे लगता है ये सिर्फ उत्तराखंड में ही है बुरांस का पेड़, और कहीं नहीं है बाहर, इसलिए हमारे यहाँ का राज्य वृक्ष माना जाता है। और राज्य पुष्प है जो ब्रह्म कमल है। बाकी दोस्तों इस गांव में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ जितने भी पेड़ है चीड़ का एक पेड़ नहीं देखा मैंने, आप मेरे बैग में देख सकते हो। और ये लास्ट गांव है, आप विश्वास करोगे कि लास्ट गांव। तो इत भाई ब्रांच निकालने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हम इसका टेस्ट लेना चाहते हैं। तो इन्हें खाने का तरीका बता देता हूँ, आप ऐसे भी खा सकते हो बिकॉज ये वृक्ष पे होते हैं और यहाँ बिल्कुल गंदगी नहीं है अपने पहाड़ में। ये देखो दोस्तों, अभी उस जगह पे आ रखे हैं जहाँ दूल्हा दुल्हन सात फेरे लेते हैं और सात जन्म तक की सात रहने की कसम खाती है। दोस्तों अभी विदाई का समय हो चुका है, अभी डोली जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आगे चले गए। और मुझे लगता है इस वीडियो का जो सबसे इमोशनल मोमेंट है यही है जब एक लड़की एक ही जगह रहती है, अपने माँ बाप के पास रहती है, वहीं शुरू से लेकर पढ़ाई करती है, फिर अचानक दूसरी जगह चले जाना और बहुत अजीब सा लगता है। आपने देखा पूरे गाँव वाले रोते हैं, वो भी रोती है, और अचानक किसी दूसरे इंसान के पास चले जाना शुरू शुरू में तो बेकार लगता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। पंडित जी हमारे जा चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ये हमारे डोरेमोन भाई, छः यहीं बज गए और जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और दिनों तो 6 बजे एकदम रात हो जाया करती थी लेकिन धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे 7 या 8 बजे तक ही रात होगी। तो बढ़िया यार, ऐसे में लंबे दिन होते हैं तो काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में तो एक दिन थोड़ा भी सो गए थे, पता ही नहीं लगता था, सीधे रात हो जाती थी, लेकिन आजकल गर्मी में बढ़िया मौसम है। गाय हमारी साइड तो बकरियाँ बहुत कम है लेकिन इस साइड देखो यार, दुल्हन को लेके दूल्हे राजा आ चुके हैं, बाकी हम सभी लोग खाना खाने बैठे हैं और लगभग 8 बज चुके हैं रात के। सभी लोग देखो एकदम वाह भाई, तो फाइनली मस्त तरीके से घर पे पहुंच चुके हैं और रास्ते में बहुत कुछ दिखाना चाहता था लेकिन दिखा नहीं पाया।